नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ भावना शर्मा, आपसे रोज़ मिलती हूँ, रोज़ आपको बताती हूँ आपके दिन का हाल। इसी के साथ आज का दिन, जी हाँ, 18th of July है, वेडनेसडे का दिन है। राहु काल का समय 12:26 से लेकर 1:42 तक रहेगा और मैं रोज़ आपसे ये कहती हूँ कि आप राहु काल को अवॉइड करें ट्रैवलिंग के लिए, साथ ही में किसी भी शुभ कार्य के लिए। इसी के साथ चलिए अब बात करते हैं आपकी राशियों के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले लोगों के साथ। एरीज पहला कार्ड, एट ऑफ वांड्स एंड द सेकंड कार्ड इज लवर्स। आप लोगों के लिए व्यय वृद्धि से तनाव हो सकता है, तो आज के दिन में अपने खर्चों पर कंट्रोल कर लीजिए, दूसरों की अपेक्षा ना करें। साथ ही में विवाद और जो वाद विवाद है वो संभव दिखाई दे रहा है, कलह कलेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में मेष राशि वालों को कुछ संगति से बचने की जरूरत है, सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है। इसी के साथ छोटा सा उपाय, सूर्य की उपासना करना आज लाभकारी रहेगा आपके लिए। वृषभ राशि, पहला कार्ड पेज ऑफ पेंटाकल्स एंड द सेकंड कार्ड इज टेन ऑफ वांड्स। आप लोगों के लिए व्यवसाय की यात्रा दिखाई दे रही है, आपके कामकाज से जुड़ी हुई यात्रा है जो कि लाभप्रद रहेगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रहेंगी, लेकिन भाग दौड़ रह सकती है, स्ट्रेस रह सकता है आपको काम का। सही समय पर आज फैसला लेना जरूरी है वृषभ राशि वालों के लिए, नहीं तो ऐसा ना हो समय आपके हाथ से निकल जाए। उपाय क्या करना है, आज खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ये एक तरह का प्रिकॉशन है जो आज आपको लेनी है। साथ ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके अपने दिन की शुरुआत करनी है। मिथुन राशि, पहला कार्ड रेस ऑफ वांड्स एंड द सेकंड कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स। आप लोग आज स्पिरिचुअलिज्म से ज्यादा जुड़ेंगे, साथ ही में कोर्ट कचहरी के कार्य जो है आपके वो बन जाएंगे। इसके अलावा व्यवसाय की बात करी जाए तो व्यवसाय स्टेबल चलेगा, ठीक चलेगा, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं लेकिन बहुत गिरावट भी नहीं आएगी। परिवार की वजह से या परिवार में आज तनाव संभव दिखाई दे रहा है, उपाय करेंगे आज के दिन में माँ लक्ष्मी की उपासना करना लाभकारी रहेगा। चलिए कर्क राशि, पहला कार्ड द मजिशियन एंड द सेकंड कार्ड इज सेवन ऑफ पेंटाकल्स। आप लोगों के लिए कोई पुराना रोग भर सकता है, कर्क राशि वाले स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। साथ ही में नई योजना आप लोगों के लिए बनाएंगे, नई प्लानिंग्स आप लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आज अचानक से लाभ हो सकता है। साथ ही में अपने कार्यों की सफलता से आज खुशी मिलेगी, क्योंकि आज आपको सफलता मिल रही है, जो जिस काम के लिए बहुत समय से प्रयास करें आज उसमें आप सफल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ उपाय की बात करें तो आज चावल का दान देना किसी भी मंदिर में जाकर के काफ़ी लाभकारी रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए पहला कार्ड किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड द सेकंड कार्ड इज एट ऑफ पेंटाकल्स। आप लोगों के लिए घर में किसी से वाद विवाद हो सकता है, तो आज कुछ भी ऐसे शब्द बोलने से बचे जो कि कहीं ना कहीं पर लोगों को बुरे लग सकते हैं, कटु वचन बोलने से बचे। पारिवारिक समस्याएं जो हैं लेकिन वो हल हो रही हैं, अगर आप बैठ करके बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देते, तो आपके घर परिवार में जो समस्याएं हैं उसे आप खत्म कर सकते हैं। समय पर कार्य अपना पूरा कर लीजिए, या नहीं तो उससे तनाव बढ़ सकता है, जो जिस काम में डिलेज हो रहे हैं उसकी वजह से काम आपका तनाव बढ़ेगा। साथ में व्यापार की बात करी जाए तो व्यापार मध्यम चलेगा, ना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, ना ही बहुत ज़्यादा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। उपाय करना है, घर में पंजीरी बना करके श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करनी है, ऐसा करने से आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी और जो लोग नौकरी नहीं है जिनके पास, उन्हें नौकरी का योग बनेगा। कन्या राशि, पहला कार्ड नाइन ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज रिवर्स ऑफ सिक्स ऑफ कप्स। आप लोगों के लिए आपकी सलाह को स्वीकार किया जाएगा, आप जो सलाह मशवरा लोगों को देते हैं उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाएगी आज के दिन में। संतान पक्ष से आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। निवेश की बात करी जाए तो आर्थिक निवेश लाभकारी रहेगा, साथ ही में परिवार में भी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनकी पूजा करनी है, ये उपाय रहेगा आज कन्या राशि वाले लोगों के लिए। लिब्रंस, पहला कार्ड एस ऑफ पेंटाकल्स एंड द सेकंड कार्ड इज टावर। आप लोगों के लिए बुरी आदतों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, गैम्बलिंग या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसी हैबिट से आज बचने की जरूरत है। लिब्रंस को कामकाज में मन लगेगा, लेकिन आप लोगों का काफ़ी हद तक जो भी काम करेंगे और जितना भी करेंगे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रह करके करेंगे, जिसका लाभ भी आपको मिलेगा। प्रभावी वातावरण रहेगा, लोगों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है, दूसरों की मदद आज मिल सकती है लोगों की कहीं ना कहीं पर आपको व्यापार में या व्यवसाय में। इसी के साथ तुला राशि वालों के लिए उपाय रहेगा, सूर्य आदित्य स्रोत का पाठ करना अच्छा है आपके लिए आज। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियंस के लिए फर्स्ट कार्ड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज रिवर्स ऑफ फोर ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों के लिए सोच समझकर निर्णय लेने से आज लाभ हो सकता है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखें, चोरी का खतरा दिखाई दे रहा है। इसी के साथ पारिवारिक जीवन आज सुखद हो जाएगा, जो प्रॉब्लम्स चल भी रही थी, जो अनस्टेबिलिटी थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। उपाय करेंगे, विष्णु भगवान को आज पंचामृत का भोग लगाना है, साथ ही में आज कोशिश करें आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी जरूर कर लीजिए, ऐसा करने से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।
धनु राशि, पहला कार्ड निकल रहा है द हाई प्रीस्टेस एंड द सेकंड कार्ड इज नाइट ऑफ वॉन्स। आप लोगों के लिए बड़े लोगों से मुलाकात के अवसर मिल पाएंगे जिसका लाभ भविष्य में आपको ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए टाइम काफ़ी अच्छा है। परिवार के सदस्यों की तरक्की हो सकती है जिससे कि आपका आपके मन में हर्ष रहेगा। कहीं ना कहीं पर आपके आसपास के लोग जो हैं उनका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उपाय करना है, आज भगवान विष्णु की उपासना के साथ विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना लाभकारी है। मकर राशि, पहला कार्ड द फूल एंड द सेकंड कार्ड इज फाइव ऑफ कप्स। आप लोगों के लिए संतान के व्यवहार से थोड़ा सा मन दुखी हो सकता है। उनकी बातों से, उनकी कड़वी बातों से कहीं ना कहीं पे आपके मन को ठेस पहुंच सकती है। आर्थिक स्थिति अगर बात करी जाए तो उससे भी आपको चिंता रह सकती है। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी और वो आज बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जितना स्पिरिचुअलिज्म से आप कनेक्ट करेंगे, जितना भगवान की आस्था में आप विश्वास करेंगे आज, उतना ही आपकी परेशानियाँ खत्म होंगी। निराशा के वातावरण से बाहर निकल सकेंगे आप लोग। साथ ही वे उपाय आज कर लीजिए, कार्तिक महात्म्य का पाठ आज ज़रूर पढ़ें आप लोग। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकला है, द एम्प्रेस कार्ड निकला है। आप लोगों के लिए व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग बन रहे हैं जिससे कि लाभ आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं पे लाभ की आशाएं जो है वो भी प्रबल हो रही हैं। पारिवारिक समस्याओं का उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उससे आप बाहर निकल पाएंगे जिससे कि मन काफ़ी खुश रहेगा। एक तरह से देखा जाए तो अगर ट्रैवलिंग आप करते हैं तो शाम के समय को अवॉइड कीजिएगा। उपाय क्या करना है, आज के दिन में आपको भगवान कृष्ण की बांसुरी अपने घर में लेकर के आनी है। मीन राशि, पहला कार्ड द वर्ल्ड एंड द सेकंड कार्ड इज थ्री ऑफ कप्स। आप लोगों के लिए कामकाज में आशा अनुकूल अवसर आपको मिल पाएंगे। जी हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। साथ ही में स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज स्वास्थ्य को निग्लेक्ट कर रहे हैं। विरोधी अपने जो सोच है उसकी, उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो जो विरोधी हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, वो आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास तो करेंगे लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे उसमें। आर्थिक स्थिति जो है वो उत्तम रहेगी। उपाय के रूप में आज क्या करना है, सात रंग के पीले पुष्प आपको भगवान कृष्ण पर अर्पित करने हैं। ऐसा करने से आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। साथ ही में रिलेशनशिप जो खराब चल रही थी उसमें भी बेटरमेंट आप देखेंगे। तो ये तो बात हुई 12 राशियों के, साथ ही में कुछ खास उपायों की। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात और कल भी लेकर आऊंगी ऐसे ही आपके दिन का हाल, साथ ही में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ। अगर अभी तक भी एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें।